आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन, जो हम लोग का चैप्टर चल रहा है उसमें हम लोग एल्केन, एल्कीन, एल्काइन इन सबों के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसके जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी बुक में, उन सबों को हम लोग अभी तक इस लेक्चर में, इस चैप्टर में डील कर चुके हैं। आज हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इट हैज कैरेक्टरिस्टिक एरोमा। एरोमा मतलब कि इसका स्मेल को कहते हैं, स्मेल को एरोमा कहा जाता है, इसलिए इसको एरोमेटिक उसी के नाम से पड़ा हुआ है। स्वीट टाइप का स्मेल होता है, अच्छा गंध होता है, इसका सुगंधित कह सकते हैं, इसलिए इसको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हम लोग कहते हैं। इसका जो मेंबर है तुमको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के जो कुछ मेंबर्स हैं, जैसे तो पहले एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक के लिए क्या कंडीशन है जिसको हम लोग एरोमेटिसिटी कहते हैं, पहले इसी को देख लेते हैं। एरोमेटिसिटी, हरेक हाइड्रोकार्बन के एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होने के लिए क्या कंडीशन, अनसैचुरेशन। हर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसा नहीं कि एरोमेटिक हो जाएगा। एरोमेटिसिटी को कहते हैं, इसको हकल्स रूल भी कहते हैं, इसको देने वाला रूल का नाम है हकल्स रूल के नाम से, एरोमेटिसिटी या हकल्स रूल भी इस टॉपिक को कह सकते हैं कि कौन सा जो हाइड्रोकार्बन को एरोमेटिक होगा इसके लिए क्या कंडीशन है। नंबर पहला, कंपाउंड शुड बी प्लेनर। एरोमेटिक होने के लिए क्या जरूरी है, कंपाउंड जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा, कंपाउंड शुड बी प्लेनर, मतलब एक प्लेन में, थ्री डायमेंशन में नहीं होना चाहिए, एक कंडीशन ये है। दूसरा है डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये बॉन्डेड या नॉन बॉन्डेड जो भी इलेक्ट्रॉन होगा पाई में, और जैसे लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन हो या तुमको डबल बॉन्ड के या ट्रिपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हो, ये इसका डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। तीसरा कंडीशन है कि इट शुड हैव 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास इतना पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, वेयर n इज इक्वल टू हो गया 0, 1, 2, 3, 4 ... मतलब कि 0 से इंक्लूडिंग, ये तुमको इंटीजर्स हो गए जो कि पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडिंग 0, तो ये तुम्हारा हो गया n इज इक्वल टू। ये तीन कंडीशन को जो ओबे करेगा हाइड्रोकार्बन वही एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा। तो हम लोग तो ये जानते हैं कि बेंजीन इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ऐसा बोलते हैं हम लोग। तो बेंजीन जो होता है तुमको, बेंजीन का फॉर्मूला होता है तुमको, बेंजीन के बारे में जहाँ तक है तुमको, बेंजीन का जहाँ तक फार्मूला है, बेंजीन का फार्मूला है C6H6। तो बेंजीन में तुमको देखो एरोमेटिक, ये इसका क्या होगा स्ट्रक्चर, जो ये केकुले का स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो ये तुम्हारा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, ये तुमको सिंगल, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो ये जो तुम्हारा स्ट्रक्चर है बेंजीन का। तो बेंजीन में कितने तुम को देखते हैं, इसमें तुम्हारा क्या होना चाहिए, पहला शर्त है इसको प्लेनर होना चाहिए। तो बेंजीन के हर कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन देख लीजिए, उससे पता चल जाएगा। जैसे कि sp2 का होता है प्लेनर ज्योमेट्री होता है, sp लीनियर होता है, और sp3 टेट्राहेड्रल या थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री होता है। तो कोई भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होना चाहिए। तो अगर हम इसका देखें तो इसमें क्या है तुमको, इसके कितने हो गए तुमको, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है, एक तरफ डबल बॉन्ड है इधर, तो क्या हो गया तुमको, ये तुमको एक हाइड्रोजन है तो कितने हो गए, तो एक तीन सिग्मा बॉन्ड बन रहा है इसका, एक पाई बॉन्ड, तो एक पाई बॉन्ड तो जाहिर है तीन सिग्मा बॉन्ड, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो इसका कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp2 हाइब्रिड, सभी का वही हो रहा है, ऑल कार्बन हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, सो इट इज प्लेनर। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ट्रिगोनल प्लेनर, ऐसा ज्योमेट्री कहते हैं लोग sp2 का। तो ये पहला कंडीशन क्या कर गया, ये फुलफिल किया। दूसरा कंडीशन कि ये तुमको डीलोकलाइज हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो सकता है, यहां से यहां आ जाए, यहां से यहां, ये तुमको डीलोकलाइज हो सकता है, तो इसका मतलब ये डीलोकलाइजेशन टेक्स प्लेस होगा। तो ये दूसरा कंडीशन को भी क्या कर रहा है, ओबे करेगा। तीसरा कंडीशन में देखते हैं इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, बेंजीन हैज
बेंजीन है तीन पाई बॉन्ड है, वन टू थ्री, एक पाई बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, दो इलेक्ट्रॉन, तो इसमें सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन है, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो फोर इंटू वन प्लस टू दैट्स इक्वल टू सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन होए। तो ये तुमको ये एन इक्वल टू वन रखने पे यहां पे भी होगा, तो तीनों कंडीशन को ये ओबे कर रहा है, हेंस बेंजीन इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हेंस बेंजीन इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये तुम्हारा हो गया। इसी ढंग से और भी हाइड्रोकार्बन में ये तुमको वेरीफाई हो गया कि ये तीनों रूल को, ये हकल्स रूल को क्या करता है, ये फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब कि ये कैसा हाइड्रोकार्बन है, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन के साथ साथ तुम जैसे बेंजीन के ही अलग अलग डेरिवेटिव्स हैं, जैसे कि बेंजीन के बाद, जैसे कि बेंजीन के पहले देखते हैं, ये बेंजोनॉइड कहलाता है, ये सब जो बेंजीन हाइड्रोकार्बन का एक बहुत ही क्या कहते हैं प्रोमिनेंट ग्रुप बनाता है, दैट इज बेंजीन, जो है बेंजीन या उसके जो कंपाउंड्स और भी होते हैं तो वो बेंजोनॉइड होते हैं, और कुछ नॉन बेंजोनॉइड भी होते हैं जो बेंजीन के जैसा नहीं होगा स्ट्रक्चर बट वो एरोमेटिक होते हैं। तो पहले जैसे कि बेंजीन के जैसे एक और कंपाउंड को यहां बनाए हैं, ये तुमको यहां पर डबल हो गया, यहां सिंगल, यहां डबल, यहां सिंगल, यहां पर डबल, इसको कहते हैं नेफ्थलीन, नेफ्थलीन, नेमेनक्लेचर भी लिखते जाओगे नेफ्थलीन। नेफ्थलीन का बॉल देखे होगे तुमको, जो कि कपड़ा वगैरह में डाला जाता है या टॉयलेट में भी यूज किया जाता है, जहां पर कि मतलब इसका सुगंधित होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसा बता रहे थे कि अभी क्या होता है ये सुगंधित होता है, तो उसी टाइप उसी का एक एग्जाम्पल है, ये क्या होगा तुमको मतलब इसका सुगंधित होता है इसलिए इसका यूज किया भी जाता है टॉयलेट वगैरह में, और जहां पर भी तुमको मौत वगैरह को हटाना हो, उसे रिपेलेंट होता है, उसमें कीड़ा मकोड़ा नहीं लगेगा, तो उसके लिए भी यूज किया जाता है, तो नेफ्थलीन का गोली। तो ये तुम्हारा जो है ये इसमें देखते हैं, इसको चेक करते हैं, इसमें क्या है, ये भी तुमको सारा हाइब्रिड देखो, सब sp2 हाइब्रिड है, सारा कार्बन क्या है तुम्हारा sp2 हाइब्रिड, सब जगह है डबल बॉन्ड, तो डबल, फिर यहां पर देखो ये भी sp2, इधर भी sp2, ऑल कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्ट डिलोकेशन तो होगा ही, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 10, यहां पे क्या होगा 2 इंटू 5, पांच बॉन्ड है, पांच डबल बॉन्ड है, गिनती कर सकते हो, तीन इधर दो इधर पांच, तो 4 इंटू 2 प्लस 2 दैट्स इक्वल टू 10 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये फुलफिल कर क्या कर दिया, ये भी तो एरोमेटिक हो गया, ये भी इस टेस्ट में क्या हो गया, ये पास हो गया, मतलब तीनों टेस्ट क्या हो गया तुम्हारा, ये फुलफिल किया, मतलब क्या है ये बेंजीन के ही है और ये तुमको एरोमेटिक भी हुआ, मैंने इसको बेंजेनॉइड ग्रुप में हो गया, ये भी मतलब बेंजीन के जैसा ही स्ट्रक्चर बनाने वाला एरोमेटिक का एक ग्रुप होता है, जो कि काफी बड़ा ग्रुप है, तो एरोमेटिक के एक ग्रुप है, ये बेंजेनॉइड में ही गया था। इसी तरह से बेंजेनॉइड का भी नाम भी लिखना ही है, नाम भी नोमेनक्लेचर भी जानना है तुम्हें, नाम भी देखते जाओ, इसी में शामिल हो जाएगा तुम्हारा। ऐसे खैर इसको क्यों गोल करके दिखाते हैं उसको बाद में चर्चा करते हैं। तो ये तुम्हारा जो हो गया एंथ्रासीन करके एक कंपाउंड है तुम्हारा, एक दो यहां पर डाल दीजिए, फिर यहां डालिए, एक तुमको यहां पर हो गया, एक तुमको यहां हो गया, फिर यहां हो गया, और इसी में जैसे कि यहां से ही अगर रिंग बना देंगे इसको, तो ये तुमको तीन रिंग हो जाएगा, तीन रिंग का तुमको अगर साथ जोड़ देंगे, इसमें एक और रिंग होगा, तो उसमें कुल कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, इसमें तीन रिंग बना दोगे तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे टोटल। चलो इसको कंपाउंड एंथ्रासीन का जैसे तुम्हारा होगा, तो तीन रिंग बनाएंगे जैसे चार चार के, पहले छह फिर चार चार चौदह, तो वो भी तुमको क्या हो जाएगा एरोमेटिक हो जाएगा। तो ये तुमको बेंजीन के समूह के एरोमेटिक हो गया। अब देखो नॉन बेंजोनॉइड में देखते हैं कुछ एरोमेटिक के, जैसे कि तुमको कुछ नॉन बेंजोनॉइड में जो बेंजीन नहीं होंगे बट एरोमेटिक होंगे वैसे हाइड्रोकार्बन को देखते हैं। तो जैसे कि तुमको सबसे उसमें सिंपल है तुमको पहले तो रिंग तो खैर होना ही चाहिए तभी तो डिलोकलाइज होगा, तो वो क्लोज चेन ही होते हैं स्ट्रक्चर। और चूंकि ये अनसैचुरेशन होता है तो ये क्लोज चेन में ही तुमको एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। तो ये तुम्हारा दूसरा है तुमको नॉन बेंजोनॉइड में तुमको आएगा एरोमेटिक में, जो एरोमेटिक सिटी का जो हकल्स रूल को ओबे करेगा उसमें एक कंपाउंड है तुमको सबसे सिंपल में आएगा, जैसे कि यह तुमको साइक्लोप्रोपेन का, यह तुम्हारा हो गया यहाँ प्लस चार्ज हो गया, तो जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp2, ये तुम्हारा क्या हो गया कार्बोकेटाइन का है sp2, ये डबल बॉन्ड हो गया तो इसका sp2 और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। इसके पास जहाँ तक इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है, पाई इलेक्ट्रॉन दो है, तो 4 इंटू 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन उस फॉर्मूला पर एडजस्ट हो गया, इसका मतलब ये क्या है, इट इज
एरोमेटिक, ये एरोमेटिक है। हकल सुरुल को ये क्या कर गया, फॉलो कर गया। यहाँ तुमको देखो एसपी टू हाइब्रिडाइज तीनों हो गया प्लेनर स्ट्रक्चर, ये प्लेनर ज्योमेट्री हो गया, ये प्लेनर ज्योमेट्री, प्लेनर ज्योमेट्री। और ये तुमको जो है क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है तुमको यहाँ से इधर रोटेट करके यहाँ जाए, यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा चार्ज। तो इस ढंग से क्या कर सकता है, ये रोटेट कर सकता है, डिलोकाइज हो सकता है। तो ये क्या होगा तुम्हारा, ये साइक्लोपेंट पेंटिल और PENTYL पेंटिल और कार्ब एनायन कार्ब कैटायन। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये साइक्लोपेंटिल कार्ब कैटायन जो तुम्हारा क्या हो गया, क्या हो, ये तुम्हारा ये तुम्हारा प्लस चार्ज आ गया। तो ये तुम्हारा साइक्लो प्रोपील मतलब PRO प्रोपेनाइल कहते हैं इसको, साइक्लोप्रोपेनाइल, साइक्लोप्रोपेनाइल कार्बोकेटायन इसका नाम है। ये तुमको क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। इसी तरह से अगर हम लोग दे दें जैसे कि तुम्हारा और भी नॉन बेंजोइन टाइप का जैसे दे देंगे, अगर हम लोग इस ढंग का ग्रुप बनावें जिसमें कि कितने हो गए इसमें साइड गिनो, इसको थोड़ा तिरछा है ये अलग साइड है, तो कितना हो गया कॉर्नर, सात है, डबल सिंगल यहाँ पर क्या कर दिए, यहाँ डबल कर दीजिए डबल, और ये फिर क्या हो गया यहाँ पर, ये अलग था ना डबल सिंगल, ये अलग है ना यहाँ तक ना है ये, और ये फिर क्या हो गया सिंगल हो गया, फिर यहाँ पर क्या करते हैं इसको डबल, फिर यहाँ पे प्लस सात हो गया तुम्हारा। तो देखो ये भी तुम्हारा जो है प्लस चार्ज, sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, सब sp2 हाइब्रिडाइज सभी हो गया। देख लो जैसे यहाँ पर है तुम्हारा, ये भी sp2 हो गया, सब क्या हो गया तुम्हारा ऑल sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और इसमें क्या इलेक्ट्रॉन गिनो, क्या हो गया तुम्हारा पाई इलेक्ट्रॉन 1 2 3, तीन डबल बॉन्ड है तो 4 × 1 + 2 = 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये क्या हो गया एरोमेटिक हो गया। तो इस तरह के जितने भी कंपाउंड्स होंगे जिसको हम हकल सुरुल पे क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड को हम लोग चेक करके देख सकते हैं कि वो तुमको एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक का तुमको ये सब एग्जांपल्स थे जो एरोमेटिक कंपाउंड्स कुछ बनाए गए। अब तुमको ये हकल सुरुल हो गया तुम्हारा, जिसको उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा क्या होता है बेंजीन का। अब हम लोग इसके जो कंपाउंड्स है बेंजीन के डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि बेंजीन में क्या है, तुमको बेंजीन काफी स्टेबल क्यों है, उसके रेजोनेंस स्टेबिलिटी क्या है, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। बेंजीन या स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, उसका रेजोनेंस उस सब किस तरह से क्या है, बेंजीन का जो तुम्हारा स्ट्रक्चर है, बेंजीन का जो मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है तुमको C6H6 होता है। तो ये जो फॉर्मूला है, जैसे इसके अगर तुम लोग को एल्केन का हम लोग याद करें तो C6H14 होगा हेक्सेन का, तो इसमें जाहिर है कि चार अनसेचुरेशन का है, 14 − 6/2 नंबर ऑफ अनसेचुरेशन इसमें चार है, तो या तो तीन डबल बॉन्ड होंगे और एक रिंग हो सकता है। तो उसी के आधार पर इसका जो है तुमको इतने अनसेचुरेशन में सबसे पहले तुमको इसके स्ट्रक्चर को इसके प्रॉपर्टी के आधार पर देने का श्रेय जाता है केकुले नाम के साइंटिस्ट को जाता है। जो स्ट्रक्चर हम लोग अभी बेंजीन का देखते हैं इसको सबसे पहले केकुले ने बना दिया था, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, बेंजीन हैज मॉलिकुलर फॉर्मूला C6H6, नंबर ऑफ अनसेचुरेशन C6H14 होता है तो उसमें कितना हाइड्रोजन, 14 − 6/2 दैट्स इक्वल्स टू 4 अनसेचुरेशन है, तो 4 अनसेचुरेशन, तो इसका जो है तुमको तीन रिंग और इट हैज 1 ring and 3 double bond and 3 pi bond। तो तुम्हारा ये तीन एक चार एसोसिएशन क्लियर हो जाएगा। दिस स्ट्रक्चर इज फर्स्ट गिवेन बाय, जो ये स्ट्रक्चर है तुम्हारा, ये तुमको ये जो स्ट्रक्चर है जिसके आधार पर ये डील होगा, ये तुम्हारा है, ये स्ट्रक्चर है तुम्हारा जो कि ये तुमको तीन डबल बॉन्ड को ये डील करता, यही तुम्हारा जो है स्ट्रक्चर बेंजीन का दिया गया, जो पहली बार दिया गया केकुले स्ट्रक्चर कहलाता है इसको, केकुले स्ट्रक्चर ऑफ
बेंजीन, ये केकुलिन नाम के साइंटिस्ट ने दिया पहली बार, जिसने की जिससे कि इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है। तो ये केकुलिन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कहलाता है ये तुमको। तो ये जो तुम्हारा है इसके अलावा ये काफी स्टेबल होता है, डबल बॉन्ड का अनसेचुरेशन होते हुए भी एक काफी स्टेबल होता है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड से रेजोनेंस, जैसे इसमें क्या होता है ये रेजोनेंस में जैसे इलेक्ट्रॉन है तुमको ये एक जगह से दूसरा जगह जाते रहेगा, जैसे यहां पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसके मैं बना देता हूं, तो ये तुमको रेजोनेंस में क्या होंगे, यहां पर जहां से इलेक्ट्रॉन चला गया यहां प्लस हो गया, यहां पर क्या हो गया ये माइनस हो गया, यहां पर ये डबल बॉन्ड आ गया, यहां पर ये और ये फिर यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, ये रेजोनेंस हाइब्रिड में तुमको यहां पर फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये तुमको यहां पर जब डबल बॉन्ड बनेगा तो यहां से आठ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एक हाइड्रोजन भी जान रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा हमें, कभी भी आठ से ज्यादा कार्बन के इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। तो ये तुमको ये देखो प्लस चार्ज तो अपने जगह पर है, और ये जो डबल बॉन्ड है यह भी क्या है, इसको भी कुछ इंटरफेयर नहीं किया गया है इस डबल बॉन्ड के साथ, ये डबल बॉन्ड भी अपने जगह पर रहेगा। और ये जो तुम्हारा यहाँ पर हो गया ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, और ये जो तुम्हारा था ये जो यहाँ पे क्या बना लिया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या बना दिया, ये बीच में ये डबल बॉन्ड बना देगा ये। अब अगला में क्या होगा, ये तुमको इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा शिफ्ट करके, और ये डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, जिसको कहते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, एरोमेटिकली जो कंडीशन था कि डीलोकलाइजेशन होना चाहिए उसको ये क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। ये प्लस चार्ज हो गया यहाँ पे, अब माइनस आ गया, और इस जगह पे क्या आ गया तुम्हें, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, और एक डबल बॉन्ड तुमको आ गया है, एक डबल बॉन्ड इस जगह पे है तुम्हारा, एक डबल बॉन्ड यहाँ है, और एक डबल बॉन्ड तुम्हारा कहाँ आ गया, इस पर निकाल करके यहाँ पर है तुमको एक, और यहाँ पर अब अगला में क्या आएगा तुमको, ये तब डबल यहाँ पर फिर डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो तुम्हारा क्या बन गया अब, ये तुमको डबल बॉन्ड, फिर ये सिंगल, फिर यहाँ पर क्या आ गया ये डबल, फिर यहाँ सिंगल, फिर यहाँ डबल अल्टरनेट। तो ये इसमें तुमको जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो इसका सबका जो इक्विवेलेंट जो लिखते हैं हम लोग, इसका इक्विवेलेंट हम लोग क्या कहते हैं, बेंजीन में ये तुमको एक सर्किल करके इसको दे दिया जाता है, इसको सर्किल करके दे दिया जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड हो गए सबों का। ये तुमको ये सबको कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। ये तुम्हारा पहला और अंतिम जो है, इसका जो बेंजीन के प्रॉपर्टी में काफी योगदान होता है, क्योंकि ऐसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर जिसमें कि चार्ज नहीं हो वो ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर माने जाते हैं। जो ये दोनों फर्स्ट और लास्ट जो स्ट्रक्चर हैं जिसमें कि कोई चार्ज नहीं है, जिसमें चार्ज नहीं होंगे वो दोनों ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग होते हैं, उसके प्रॉपर्टी को ज्यादा डील करते हैं। द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, द रेजोनेटिंग और कैनोनिकल स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग और कैनोनिकल स्ट्रक्चर विच हैज नो चार्ज कंट्रीब्यूट मोर टू द प्रॉपर्टी ऑफ एक्चुअल बेंजीन के प्रॉपर्टी को कम ये डील करेगा, ज्यादा डील करता है ये एक्चुअल प्रॉपर्टी को, ये मतलब क्या करेगा, ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है ये, ज्यादा इसका प्रॉपर्टी सबों के कंट्रीब्यूशन से बनता है एक्चुअल बेंजीन। और ये तुमको क्या कहलाता है, ये सब रेजोनेंस या कंट्री, ये सब तो होगा कैनोनिकल या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ, और फर्स्ट और लास्ट ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग होगा, और इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं इसको, रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये जो तुमको इसके कारण तुमको इसको रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिलता है, और इसमें एनर्जी रिलीज होता है, ये जो प्रक्रिया है तुमको, ये तुमको इट गिव्स रेजोनेंस कहते हैं इस रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ बेंजीन हो गया ये, इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ बेंजीन। ये बेंजीन रेजोनेंस के कारण क्या होता है, इसको स्टेबलाइज मिलता है, जिससे कि ये एक स्ट्रक्चर, इसलिए यह तुमको क्या करना पड़ता है, ये बेंजीन का ये जो स्ट्रक्चर है यह कभी भी तुमको एडिशन रिएक्शन करना नहीं चाहेगा। ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन बेंजीन इज स्टेबल, ये स्टेबल होता है तुमको। तो ये हुआ तुमको बेंजीन और उससे जो रहा हुआ स्ट्रक्चर हो गया। जहां तक कि रेजोनेंस के सपोर्ट में कुछ बातें हैं जिसको कि तुम कह सकते हो, बेंजीन का जहां तक कि इसके कार्बन कार्बन का जो सिंगल, यहां पर कुछ कार्बन के जैसे आप पहला बनाते हैं सिंगल बॉन्ड, दैट इज 154 एंगस्ट्रम का बॉन्ड लेंथ होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड का करीब 154 52,
और डबल बॉन्ड का 134 एंगस्ट्रम होता है, लेकिन बेंजीन के केस में ये 139 एंगस्ट्रम आता है तुमको, इसका जो स्पेक्ट्रोमेट्री से देखा जाता है। तो ये सब बताता है कि इसका जो करेक्टर है ना सिंगल बॉन्ड है ना इसके डबल बॉन्ड में आता है। रिजोनेंस इनर्जी में हम लोग जो इसका फर्स्ट बॉन्ड इनर्जी की भी बात करेंगे, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड इनर्जी कम होगा, डबल बॉन्ड का उससे ज्यादा होगा, लेकिन बेंजीन में उससे ना सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में आएगा इसका बॉन्ड इनर्जी। और इस कारण से इसको जो है तुमको इन सब स्ट्रक्चर के मिलान से ही मिलने से ही क्या बन सकता है, ये तुमको मतलब कि बेंजीन का एक्चुअल बेंजीन के प्रॉपर्टी को हम लोग डील कर सकते हैं, जो सके रिजोनेंस में कहते हैं हम लोग। ये रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो गया तुम्हारा, रिजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। और इसको जो है तुमको इसके सपोर्ट में जैसे ओजोनोलिसिस करेंगे इसको, तो तीन तीन मॉलिक्यूल ऑफ एक मोल अगर तुमको बेंजीन का एक मॉलिक्यूल अगर बेंजीन का हम लोग ओजोनोलिसिस करेंगे तो तीन मॉलिक्यूल ग्लायोक्सर बनता है, CHO सिंगल बॉन्ड CHO, जैसा कि ओजोनोलिसिस बताए देंगे एल्किन में, जो कि हमारे लेक्चर से आईसीटूल ऐप पर अपलोड हैं। जिस भी स्टूडेंट को दिक्कत हो किसी भी ऐप्स के द्वारा हमसे किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए भी कॉन्टेक्ट कर सकता है। तो ये तुम्हारा है, अभी जो हम लोग बता रहे थे कि बेंजीन के तुम्हारा क्या हो गया, बेंजीन के अगर ओजोनोलिसिस से भी इसका पता चलता है कि तीन मॉलिक्यूल ग्लाइकोजर का बनना ये डबल बॉन्ड के तीन डबल बॉन्ड होने की क्या करता है, पुष्टि करता है ये कि तीन डबल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट हैं। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब है तुमको बेंजीन के हम लोग प्रिपरेशन के बारे में देखेंगे, प्रिपरेशन फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। तो बेंजीन का जो प्रिपरेशन है हम लोग कर सकते हैं, एक तो हम लोग इथाइन से बना सकते हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन से, जिसमें कि रेड हॉट एफी ट्यूब से उसको जब गुजारते हैं, तो हम लोग इस रिएक्शन पढ़े भी हैं इथाइन में, इथाइन के प्रॉपर्टीज में। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, तो बेंजीन का जो प्रिपरेशन है उसको करने के लिए हम लोग जैसे पहला है तुमको रिएक्शन ऑफ सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का मैं फॉर्मूला ही लिख देता हूं, C6H5COONA With soda lime, NaOH plus CaO produces benzene. ये क्या प्रोड्यूस करता है, बेंजीन प्रोड्यूस करेगा। तो C6H5COONA, तो या तो ऐसा बना दीजिए C6H5COONA सोडियम बेंजोएट इसको कहेंगे प्लस NaOH, इससे क्या बन जाएगा ये तुमको ये CaO के प्रेजेंस में क्विक लाइम के प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा C6H6 बन जाएगा, दैट इज ये बेंजीन बन गया प्लस Na2CO3 आ जाएगा। तो ये तो पहला इससे बन जाएगा। दूसरा नंबर हम लोग लिख सकते हैं, ये रिएक्शन हम लोग पहले भी एल्केन के प्रिपरेशन में पढ़ चुके हैं, दूसरा नंबर है इसको डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं। यहां से ओ ग्रुप हटता है CO2, इसलिए डीकार्बोक्सिलेशन है तुम्हारा। इस रिएक्शन को याद करो, पहले भी एल्केन में पढ़ाया गया है। दूसरा है तुमको रिडक्शन ऑफ फिनॉल विथ जेड एन डस्ट produces benzene। फिनॉल का मतलब है बेंजीन में जो है OH ग्रुप रहेगा, एल्कोहल ग्रुप रहेगा, दैट इज कॉल्ड फिनॉल। बेंजीन में OH ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड, इसको हम लोग कहते हैं फिनॉल। अगर इसका हम लोग रिडक्शन कर देंगे जेडन डस्ट के प्रेजेंस में, जेडन का चूर्ण डाल देंगे, तो ये तुमको बेंजीन बन जाएगा। ये क्या हो गया तुम्हारा, ये बेंजीन बन गया, तो ये तुम्हारा हो गया। तीसरा है तुमको, इसी में लिख देते हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ थ्री मोल ऑफ इथाइन
थ्री मोल ऑफ इथाइन प्रोड्यूसेस बेंजीन, बेंजीन बनाएगा। तीन मोल सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच हो गया, इसको रेड हॉट एफ ई ट्यूब से गुजार दें, रेड हॉट एफ ई ट्यूब से गुजार देंगे तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये बेंजीन बन जाएगा। ये इथाइन का तीन मोल का साइक्लिक प्रोनेशन करने से ये बेंजीन में, जो हम लोग उसमें भी पढ़ चुके हैं। ये तीन, तुमको तीन मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, बेंजीन का प्रिपरेशन दिया गया है हम लोग के बुक में। ये तीन रिएक्शन हो गए, तो इसमें काफ़ी कोई बहुत डिफिकल्ट रिएक्शन नहीं है, काफ़ी दो रिएक्शन तो पहले से पढ़ा हुआ भी होगा, याद किया होगा तुमने, रिएक्शन पर प्रैक्टिस कर रहा होगा, तो जो एक्सरसाइज के जो कन्वर्सन्स वगैरह हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंस वगैरह हैं, जो रिएक्शन याद करने में काफ़ी मदद करता है। अगर स्टूडेंट को दिक्कत किसी को हो रहा है तो राइटल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे संपर्क करके उसके किस ढंग से टेक्निक है, कैसे उसको बनाया जाए, उसके लिए तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। तो ये तुम्हारा अगला है इसका, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो ये जो तुमको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, ये तुमको या तो लिक्विड हैं, क्योंकि छह कार्बन है तो जाहिर गैस में नहीं पाए जाएंगे, छह या उससे ज्यादा, तो ये तुमको जनरली जो स्टेबल हैं वो लिक्विड होते हैं या तुमको सॉलिड होते हैं, जो कि कलरलेस होंगे। और इसका स्मेल क्या होता है, स्वीट स्मेल होता है। और इसका जो है तुमको, जहां तक सॉल्वेंट की बात है, तो इसका सॉल्युबिलिटी की बात है, उसका चर्चा भी वही है, जो कि जब ये इसमें कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाएगा तो जाहिर है कि वाटर में ये सॉल्युबल नहीं होंगे, लेकिन जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है उसमें ये सॉल्युबल होंगे। और ये तुमको सूथी फ्लेम के साथ ये बर्न करता है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी नंबर पहला, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर, हाइड्रोकार्बन्स आर कलरलेस लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड विथ स्वीट या कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, एरोमा जिसको कहते हैं, ये तुमको इसका अपना एक स्मेल होता है। और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जहां तक है, इट्स मेल्टिंग एमपी एंड बीपी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन मॉलिकुलर वेट, ये जो कॉमन रूल है वही उसी को भी करेगा। तीसरा नंबर, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, जैसा कि हम लोग प्रिडिक्ट कर भी रहे होंगे कि ये इनसॉल्युबल होना चाहिए, इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल वही होता है जो आयनिक कंपाउंड होगा, या तो उसमें तुमको क्या होता है पोलैरिटी हो, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए, तभी वाटर में सॉल्युबल होगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो ये इनसॉल्युबल इन वाटर होगा। इट इज सॉल्युबल इन, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर इन सब, जिसमें कि तुमको ये इन मतलब कि नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा उसमें ये सॉल्युबल होगा। इट बर्न्स विद सूटी स्मेल फ्लेम, इट बर्न्स विद फ्लेम, ये तुमको इसके साथ ये बर्न करेगा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया इसके, तो काफी कॉमन ही है, इसमें कुछ खास नया नहीं है। तो जाहिर है कि अब हम लोग देखेंगे इसके केमिकल रिएक्शंस का की चर्चा करेंगे। तो केमिकल रिएक्शन में इसका जहां तक है, केमिकल रिएक्शन इसमें तुमको है, ये तुमको जहां तक है बेंजीन जो होता है तुमको, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, ये डबल बॉन्ड होते हुए भी रेजोनेंस कारण स्टेबलाइज होता है, इसलिए एडिशन रिएक्शन के बजाय यह ज्यादा इसकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की होती है। और ऐसे हाई टेम्परेचर प्रेशर या कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इसको एडिशन रिएक्शन भी ये देगा, लेकिन इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक जो तुम्हारा रिएक्शन होता है, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेंजीन का तुमको केमिकल रिएक्शन लिखते हैं,
केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का केमिकल प्रॉपर्टी। तो पहला नंबर तो इसका मेन रिएक्शन हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये इलेक्ट्रोफिलिक बेंजीन को रिजोनेंस के स्टेबलाइज होने के कारण ये एडिशन के बजाय ये सब्स्टिट्यूशन, मतलब बेंजीन अपना जो जो तीन का जो जो तुम्हारा हम लोग को कंजुगेशन में मिला हुआ डबल सिंगल डबल बॉन्ड, ये तुम्हारा जो डिलोकलाइज होता रहता है इलेक्ट्रॉन, इसके कारण स्टेबिलिटी रहता है, इस स्टेबिलिटी को छोड़ना नहीं चाहेगा और इस कारण से वो डबल बॉन्ड के राउंड में जनरली वह उसको एडिशन के बजाय क्या करना चाहता है, वो तो एडिशन होगा तो वहाँ पर डबल बॉन्ड हट जाएगा उसका, तो उस स्टेबिलिटी को रेजोनेंस के स्टेबिलिटी के को बनाए रखने के लिए यह डबल बॉन्ड अपना बरकरार रखता है और वहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम है आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। जैसे बेंजीन रिंग में जैसे आएगा यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा इसको इलेक्ट्रोफाइल मतलब कि ई पे जो प्लस चार्ज है यहाँ से इसको क्या करता है, ये इलेक्ट्रोफाइल अगर आएगा इलेक्ट्रोफाइल तो यहाँ से इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, इस बेंजीन से यहाँ से इसको इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाएगा और एच प्लस यहाँ पर रिलीज कर देगा। जैसे ये किस ढंग से रिएक्शन होता है ये तुमको इसका, जैसे कि हम लोग एक पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो फ्रीडरक्राफ्ट रिएक्शन लिखते हैं या हेलोजिनेशन, एक ए नंबर इसमें लिख लीजिए, हेलोजिनेशन ही लिखते हैं। जैसे देखो हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन तो जैसे कि है तुमको हेलोजिनेशन अगर टेक्स प्लेस कराना है तो जैसे कि बेंजीन में अगर Cl2 ऐड करना है, बेंजीन में अगर Cl2 ऐड करना है तो आप यहाँ पर एक कैटलिस्ट ले सकते हैं एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब सूखा हुआ बिना एनहाइड्रस बिना पानी का एनहाइड्रस AlCl3, AlCl3 में छह ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ जैसे अभी रिएक्शन दे रहे हैं इसका रिएक्शन कंप्लीट पहले कर लेते हैं, अभी रिएक्शन तो कंप्लीट इसका प्रोडक्ट समझ में आ रहा होगा, जैसे यहाँ से देखें तो यहाँ से जो तुमको कौन यहाँ पर बन जाए Cl2 है तो यहाँ पर Cl+ बन जाएगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन को यहाँ पे क्या कर जाएगा यहाँ से हटा देगा और ये तुमको HCl साइड प्रोडक्ट के रूप में आ जाएगा। तो इसका देखो मैकेनिज्म देखते हैं, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो ये जो तुम्हारा जो AlCl3 है Cl2 के साथ ये तुमको क्या करेगा, AlCl3 के पास जो गौर करो तो Al में तुमको इसके Al का तीन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो Al का कितना है छः इलेक्ट्रॉन ही है इसके पास, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी है, इसलिए इसको हम लोग लुईस एसिड कहते हैं इस तरह के कंपाउंड को, तो ये लुईस एसिड है तुम्हारा। तो लुईस एसिड क्या करेगा यह इलेक्ट्रॉन को यहाँ से क्या करेगा इसको ब्रेक करके ये इलेक्ट्रॉन को इधर से ले लेगा और यहाँ पर एक Cl+ इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा, इसके कारण क्या होगा यहाँ पर Cl+ एक इलेक्ट्रोफाइल का क्रिएशन होगा और Al Cl4- बन जाएगा, जैसे चार यहाँ पे आने के कारण इसका आठ ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट हो गया, ये इसके प्रेजेंस से ये इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट हो गया। अब क्या करेगा ये इलेक्ट्रोफाइल, तो ये देखो देखो अब बेंजीन के साथ ये तुमको ये कंबाइन करेगा, ये बेंजीन है यहाँ पर से क्या करेगा ये हाइड्रोजन को यहाँ पर दिखाया, हाइड्रोजन तो पहले से प्रेजेंट है, तो ये जो तुमको है यहाँ पर प्लस ई प्लस सीएल प्लस मतलब तुम्हारा ई प्लस का यहाँ मतलब सीएल प्लस ये इस जगह पर जाके जुट जाएगा जिससे कि यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो इससे क्या बन जाएगा, देखिए ये तुमको यहाँ पर आ गया, यहाँ पर क्या आ गया यहाँ प्लस चार्ज आएगा, इसके इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर शामिल कर रहा है और यहाँ पर हाइड्रोजन तो पहले से है ही और एक यहाँ पर सीएल आ गया और बाकी जो दो डबल बॉन्ड है वो अपनी जगह पर अभी भी इंटैक्ट हैं, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है तुम्हारा, एक डबल बॉन्ड इस जगह पर है, फिर यहाँ पर सिंगल और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड ये अपनी जगह पर है और ये जो तुमको डबल ये जो कार्बोकेटाइन बना यहाँ पर एक जो कार्बोकेटाइन बन रहा है यहाँ पर ये रिजोनेंस कारण स्टेबलाइज होंगे। देखिए यहाँ से क्या हो सकता है ये जबकि इलेक्ट्रॉन देखो रिजोनेंस का मतलब होता है कि जो चार्ज अगर कम से कम हो उस पर जितना जो यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट बना अगर इस पर चार्ज इसका डिलोकलाइज हो जाए पॉजिटिव चार्ज एक जगह से दूसरे जगह तो चार्ज की डेंसिटी एक जगह कम हो जाएगी और इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। जैसा कि अगर इसको रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन को दिखाना चाहोगे यहाँ पर देखो दिखा सकते हैं हम लोग तो इसको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये शिफ्ट कर जाएगा तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा एक जगह पर और इस तरह से ये तुमको स्टेबिलिटी प्रदान करता है। रेजोनेंस के कारण चार्ज का डिलोकलाइजेशन होता है तो ये कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा तुम्हारा, ये यहाँ प्लस चार्ज आ गया और ये तुमको यहाँ डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पर तो एक Cl है और एक H है और ये डबल बॉन्ड अभी आपको यहाँ पर प्रेजेंट है, अभी भी ये डबल बॉन्ड यहाँ है। अब क्या हो सकता है ये फिर ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है
ये कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, ये यहाँ डबल बॉन्ड दे दिए तो ये चार्ज यहाँ आ सकता है, तो तीसरा भी इसको स्ट्रक्चर बना सकते हैं आप। तो ये तीसरा में क्या हो गया, यहाँ पर एच और सी एल यहाँ है और यहाँ पर तुमको प्लस चार्ज आ गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर सिंगल, फिर यहाँ पर डबल। ये देखो तीन डबल बॉन्ड क्या हो सकता है, ये जो चार्ज का जो डीलोकलाइजेशन का, ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बताता है ये। अब क्या होगा, ये जो प्लस चार्ज है यहाँ पर क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा और एच प्लस यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो आपका क्या बन जाएगा, देखिए फाइनल आपका प्रोडक्ट बन गया, यहाँ पर क्लोरीन बच गया और यहाँ पर ये क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पर फिर सिंगल, फिर यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया और प्लस एच प्लस क्या हो गया, यहाँ से रिलीज हो गया। तो मतलब आपका क्लोरोबेंजीन यहाँ पर क्या बन गया प्रोडक्ट, ये तुम्हारा इसका मैकेनिज्म है। और एच प्लस जो है तुमको एल सी एल मिले, तो ये तुम्हारा क्या इसका जो देख सकते हो, ये क्या बताया गया, इसका ये जो कार्बोकैटायन का रेजोनेंस के कारण ये स्टेबलाइजेशन है और इसलिए ये तुमको इलेक्ट्रोफाइल के ये मैकेनिज्म के आधार पर देख सकते हो किस तरह से ये स्टेबलाइज प्रोडक्ट ये बनाता है। तो ये हुआ तुमको, इसको हम लोग सी एल टू हेलोजिनेशन कर सकते हैं और हेलोजिनेशन में जैसे बी आर टू को जोड़ना है तो एफ वगैरह के प्रेजेंस में भी कर सकते हैं। इस वजह से दूसरा अगर हेलोजिनेशन में ही हम लोग जैसे कि और भी रिएक्शन कराना चाहेंगे तो बी आर टू के अलावा दूसरा कैटलिस्ट हम लोग एफ ई का भी प्रयोग कर सकते हैं। एल्यूमिनियम का जो एल्यूमिनियम के जो क्या कहते हैं क्लोराइड हैं, हेलाइड हैं, उसके अलावा एक तुमको एफ ई के भी हेलाइड वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं या एफ ई का भी प्रयोग करके हम लोग इसको जोड़ सकते हैं। जैसे कि एफ ई का अगर दे देंगे तो वो भी जैसे ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराना हो तो एफ ई से जोड़ दीजिए तो वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा हेलोजिनेशन के ही रिएक्शन हो जाएंगे। तो ये हो गया तुमको हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन के चाहे और भी रिएक्शन एक आप लिख देते हैं एग्जांपल, तो मैकेनिज्म की अब जरूरत तो नहीं है, वो समझ में आ गया होगा। जैसे कि ब्रोमिनेशन करना है आपको बेंजीन में, अगर बी आर टू जोड़ना है तो इसके दूसरा कैटलिस्ट आप एफ ई प्रयोग कर सकते हैं, सी एल टू में भी कर सकते हैं इसको प्रयोग, एफ ई सी एफ ई बी आर थ्री का भी प्रयोग कर सकते हैं, एफ ई का प्रयोग कर सकते हैं, एफ ई बी आर थ्री का यूज कर सकते हैं, एफ ई सी एल थ्री जब क्लोरीन होते हैं फिर सी एल थ्री का यूज कर सकते हैं और यहाँ पे क्या जाएगा, ये बी आर आ जाएगा और प्लस एच बी आर निकल जाएगा। ये इस ढंग से तुम्हारा यहाँ भी बी आर प्लस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। तो इस तरह प्रकार से रिएक्शन ये कैरिड आउट कराया जा सकता है, हेलोजिनेशन के एग्जाम्पल हो गए। दूसरा जैसे था ए नंबर, अभी हेलोजिनेशन हुआ, अब हम लोग बी नंबर के रूप में जैसे एक हम लोग करा सकते हैं, जैसे कि नाइट्रेशन एक कहते हैं हम लोग। तो नाइट्रेशन में तुमको नाइट्रेशन में एच एन ओ थ्री का को जब ऐड करते हैं बेंजीन के साथ, बेंजीन के साथ मतलब ऐड करने तो उससे जब रिएक्ट कराते हैं तो वो सब्स्टिट्यूशन हाइड्रोजन को वह सब्स्टिट्यूट करके एन ओ टू दे देगा। तो बेंजीन के जो हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन करके एन ओ टू आ जाता है, नाइट्रोबेंजीन हो गया, वो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। तो दूसरा नंबर नाइट्रेशन लिखते हैं। एच टू से फोर से अगर यही रिएक्शन कराएंगे तो सल्फोनिक एसिड बनता है और उसके बाद एक विशेष रिएक्शन है जिसका नाम है फ्यूडलक्राफ्ट रिएक्शन, फिर उसकी भी चर्चा हम लोग कर सकते हैं। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो ये दो नंबर में, बी नंबर में लिखते हैं हम लोग नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, उसके बाद इसका जो है तुमको इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल कौन बना, इलेक्ट्रोफाइल कौन बना होगा समझ में आ जाएगा। बेंजीन में HNO3 डाल दें H2SO4 के प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में, तो ये तुमको NO2 से रिप्लेस कर देगा इसको, ये तुमको इसको क्या कहेंगे लोग, नाइट्रोबेंजीन कहते हैं, नाइट्रोबेंजीन इसको कहेंगे। जहाँ तक कि ये HNO3 है, HNO3 का स्ट्रक्चर याद होगा, N के पास होता है इधर की तरफ OH का बॉन्ड होता है यहाँ पर और यहाँ पर तुमको होता है HNO3, तो O के साथ एक तरफ डबल बॉन्ड होता है और एक तरफ होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, जैसा कि ये स्ट्रक्चर याद होगा OH। अब ये क्या करता है, H2SO4 जो होता है ये H प्लस दे देता है, H2SO4 यहाँ पे क्या दे देगा इसको, H प्लस दे देगा। H2SO4 के टूटने से क्या बन गया हमको, H प्लस प्लस एसिड, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है नाइट्रिक एसिड से, तो ये H प्लस देगा। तो ये जो H प्लस है ये OH माइनस को लिबरेट करके ले लेगा, जो OH है तुम्हारा इसको ये इसके साथ यहाँ पे टूट जाएगा तो क्या बन गया आपका, NO2 प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल आपका क्रिएट हो जाएगा। तो ये NO2 प्लस क्या बन गया, ये
इलेक्ट्रोफाइल। तो जाहिर है कि आगे का रिएक्शन तो समझ में आ ही रहा होगा, जैसे अभी जोड़ के दिखाए थे तो NO2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। बाकी तो NO2 जैसे ऐड करके दिखाए थे अभी रिएक्शन, उसी ढंग से आगे प्रोसीड कर जाएगा। तो ये नाइट्रेशन नाइट्रो बेंजीन क्या हो गया तुम्हारा, बन गया। उसके बाद तीसरा इसमें सी नंबर में लिख सकते हैं, इसको आगे तुमको आगे का मैकेनिज्म का पार्ट सेम जैसा होगा इसलिए इसको रिपीट नहीं कर रहे हैं। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में अगर बेंजीन में तो होगा तो बेंजीन प्लस H2SO4 अगर जोड़ेंगे तो H2SO4 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा तुमको बेंजीन में, तुमको बेंजीन में SO3H आ जाएगा। तो जाहिर है यही तुमको इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, SO3H और प्लस वाटर। तो इसको कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहते हैं इसको, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसी में H2SO4 का दूसरा मॉलिक्यूल H प्लस दे देगा, एक में OH हट जाएगा और इस तरह से ये प्रोडक्ट तुम्हारा आ जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड सल्फोनेशन। अब है तुमको एक दो रिएक्शन जिसकी चर्चा करते हैं, फ्यूडिल क्राफ्ट पहले उसको अब देख लेते हैं इसका, वो भी इस सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के ही एग्जाम्पल हैं जिसमें अलग अलग इलेक्ट्रोफाइल यूज करते हैं हम लोग। तो चौथा है तुमको जो कि हम लोग यूज करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, सी नंबर डी नंबर में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में तुमको आ जाएगा, जिसमें कि हम लोग बेंजीन के साथ अगर हम लोग कोई एल्कील हैलाइड को अगर ऐड करें एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में तो उसमें एल्कील ग्रुप बेंजीन से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो यह है तुमको डी नंबर फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन ही है, देखो ये तुमको रिएक्शन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, इसको कुछ लिखने की खास जरूरत नहीं है। प्लस RCl लिख लीजिए यहां पर, अगर एनहाइड्रस AlCl3 ही फ्रीडल क्राफ्ट का ये आपका रिएजेंट है इसके प्रेजेंस में, तो ये R प्लस एक जो है एल्किल ग्रुप ये तुमको क्या बन जाता है इसका इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा R, और यहाँ से तुमको क्या हो जाएगा ये रिलीज हो जाएगा और प्लस HCl यहाँ से बन जाएगा। तो ये एल्काइल बेंजीन बन जाएगा, ये एल्किल बेंजीन, एल्किल बेंजीन। जैसे मेथिल से कीजिएगा तो मेथिल बेंजीन बन जाएगा, दैट इज टॉलविन उसका नाम होता है। तो कुछ नाम वगैरह इसका दे लेंगे हम लोग, और ऑर्थोमेटा पारा इन सबों के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो ये तुम्हारा हो गया बेंजीन में तुम्हारा क्या हो गया। अब इसका जैसे कि मैकेनिज्म को देखेंगे तो मैकेनिज्म तो बहुत ही स्पष्ट ही होगा तुमको, RCl प्लस AlCl3 इससे क्या बन जाएगा R प्लस प्लस AlCl4 माइनस, ये हेलोजन के लिए इलेक्ट्रोफाइल बना, ये R वहां से सब्स्टिट्यूट कर देगा। इसमें जो थोड़ी सी नई बात जो बतानी है उसे कुछ ऐसा है, ये R के जगह पर अगर रहता आपको CH3CH2CH2Cl ऐसा रहेगा, और इसको अगर AlCl3 से आप करेंगे तो इसमें नया क्या होगा ये जरा गौर करो। देखो ये तो CH3CH2CH2+ बनेगा, अब प्लस AlCl4- यहाँ तक तो कुछ ठीक है वही, लेकिन ये 1 डिग्री से ये रीअरेंजिंग होकर के ये तुमको 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये तुम्हारा 2 डिग्री कार्बोकैटायन ये बन जाएगा तुम्हारा, तो इसको हम लोग कहते हैं ये क्या बन गया मोर स्टेबल, ये इसको रीअरेंजमेंट कहते हैं मोर स्टेबल कार्बोकैटायन इसका रीअरेंज करके। तो इसका मतलब जब हम लोग इसका रिएक्शन कराएंगे तो यही प्रोडक्ट बनेगा। दूसरे शब्द में जो हम बोलना चाहते हैं, जहां से यहां रिएक्शन में लिख के दिखा देता हूं क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब बेंजीन से अगर आप कराइएगा रिएक्शन कराइएगा CH3CH2CH2Cl प्लस एनहाइड्रस AlCl3 तो ये तुमको यहां पर क्या जुटेगा, यहां CH होगा, यहां पर बेंजीन कहीं भी जोड़ सकते हैं, कोई जगह जहां जोड़ रहे थे हर बार, चलिए यहां से जोड़िए कहीं से जोड़ सकते हैं, आपको इसमें दिक्कत नहीं है। CH यहां पर CH3 और इधर भी CH3 आ गया तुमको, तो ये तुमको इससे तुमको बनेगा आइसोप्रोपिल बेंजीन कह सकते हैं इसको, इसको आइसोप्रोपिल बेंजीन भी कहते हैं इसका, आइसोप्रोपिल बेंजीन बनेगा। आप प्रोपिल बेंजीन ना बनके ये आइसोप्रोपिल बेंजीन बन रहा, ध्यान रहे ये तुमको ये ज्यादा मात्रा में क्रिएट होगा। ये तुमको ये क्यों हुआ इसका देख सकते हो, और मेथिल है तो मेथिल में तो कोई CH3 आता C2H5 आता, तो ये तुमको इसमें ध्यान रखने की जरूरत है कि तुमको ये हुआ तुम्हारा फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलेशन रिएक्शन। अगर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन इसी तरह का है तुमको फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन,
तो उसमें क्या करते हैं हम लोग RCL के बजाय, RCL के जगह RCOCl का प्रयोग करते हैं, तो उसमें जो कि बन जाएगा COR बन जाएगा, तुम्हारा कार्बोकैटायन बनेगा COR। तो रिएक्शन से ही समझ में आ जाएगा क्या है वो ई नंबर। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ACYLATION एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो बेंजीन में अगर हम लोग ऐड कर दें, ऐड करने का मतलब कि ये सब्स्टिट्यूशन ही देगा, इसे रिएक्ट करा दें RCOCl एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो ये Cl- माइनस निकल जाएगा, तो यहाँ से कौन जुड़ जाएगा, यहाँ पर Cl- माइनस है तो यहाँ पे प्लस चार्ज जाएगा RCO, और ये यहाँ से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो देन व्हाट इज द प्रोडक्ट, ये तुमको COR हो जाएगा और प्लस HCl, तो ये तुमको बन गया, जैसे एक बेंजीन में COR हो गया तुम्हारा, तो यहाँ पे जैसे CH3 आ गया, CH3 आ सकता है, C2H5 आ सकता है, तो इसको एसिटोफेनोन कहते हैं। इस तरह से अगर CH3 आ गया तो यहाँ CH3 अगर आ गया तो इसको एसिटोफेनोन कहेंगे। तो इसके आधार पर ये क्या होगा COR, ये कीटोन ग्रुप आ गया CO, एक तरफ एल्किल ग्रुप आ गया, एक तरफ बेंजीन आ गया, तो ये तुम्हारा इस तरह का प्रोडक्ट ये हम लोग बना सकते हैं इसके द्वारा सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के ये कुछ पांच तुम्हारे जो दिए हुए थे रिएक्शन हो गए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए। अब है इसके बाद है तुमको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का प्रोडक्ट, जबकि पहले से कोई ग्रुप अगर अटैच हो तो उसके, या तो बेंजीन के पहले रिएक्शन देख लेते हैं उसके बाद उसका जो डायरेक्ट ऑरिएंटेशन का हम लोग चर्चा बाद में ही कर देते हैं, जिस किताब में भी बाद में ही दिया हुआ तुम्हारा, उसके बाद ही चर्चा कर लेते हैं। बेंजीन के एक दो रिएक्शन और दिए हुए हैं जिसको हम लोग पहले डील कर लेते हैं। बेंजीन का जैसे अभी तक हम लोग डील करते हैं एक नंबर में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब हम लोग एडिशन रिएक्शन को डील कर लेते हैं और कंबसन। ये तो कंबसन का तो मतलब ही है कि वो क्या देगा, कंबसन करते हैं हम लोग किसी भी हाइड्रोकार्बन को तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है। हम लोग इसका कम देख लेते हैं, दूसरा नंबर रिएक्शन में हम लोग लिख सकते हैं एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। तो बेंजीन जो है तुमको, बेंजीन में अगर H2 जोड़ देंगे, बेंजीन में तीन मोल तुमको H2 जुड़ सकता है, और निकेल के प्रेजेंस में इसको जोड़ दिया जाएगा, निकेल के प्रेजेंस में अगर जोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा, ये साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, ये क्या प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा साइक्लोहेक्सेन, ये एडिशन कर दिया यहां पर, इसलिए एडिशन रिएक्शन के अंतर्गत आएगा। दूसरा एक है तुमको, जब Cl2 को ऐड करते हैं हम लोग बेंजीन में, हम लोग किसका एडिशन कर दें अगर, ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल प्लस Cl2, इसमें जो है तुमको दिया हुआ है 870 केल्विन, 500 केल्विन और कैटलिस्ट भी है यूवी लाइट, 500 केल्विन पे ये तुमको जो जोड़ेंगे, ये तीन मोल ये भी जुटेगा, ये तीन मोल ही जुटेगा, तो ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड कहलाता है। ये बेंजीन मतलब ये बेंजीन तो खत्म हो गया, लेकिन सब जगह Cl आ जाएगा हर जगह, और हाइड्रोजन तो रहेगा ही, छयों जगह पर क्या गया Cl भी जुट जाएगा, ये कहता है BHC या गैमेक्सिन पाउडर, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, गैमेक्सिन के नाम से भी इसे बेचा जाता है, गैमेक्सिन के नाम से ये कमर्शियल नेम हुआ इसका गैमेक्सिन, गैमेक्सिन, ये BHC पाउडर भी कहलाता है, BHC पाउडर या बेंजीन हेक्साक्लोराइड या गैमेक्सिन पाउडर का ये कमर्शियल नेम हुआ इसका, ये तुमको ये प्रोडक्ट बन जाते हैं तुम्हारा। उसके बाद है तुमको तीसरा रिएक्शन कंबशन है तुमको, जब बेंजीन को हम लोग क्या करते हैं, जब वह फ्री एयर में बर्न करेंगे तो ये क्या देगा, और फ्री एयर में बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है सारे हाइड्रोकार्बन, तो ये भी क्या देंगे, जो सूटी फ्लेम के साथ बर्न करेगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा। कंबशन, कंबशन, कंबशन में हो गया तुमको बेंजीन मतलब कि O2 के साथ C6H6 प्लस O2 एयर से आएगा, ये एयर के प्रेजेंस में, ये क्या बन जाएगा 6O2 प्लस 3H2O, तो 6 प्लस 3/2 15/2 O2 15/2 O2, ये तुम्हारा ये बैलेंस हो गया, ये तुम्हारा क्या देगा, ये तुम्हारा बर्न करके ये बनाएगा। अब है तुमको
डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ, ये तुम्हारा बेंजीन के कुछ रिएक्शंस हो गए। अब बेंजीन में अगर पहले से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो किस तरह से दूसरे ग्रुप को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में किस तरह से एक्टिवेट डीएक्टिवेट करेगा और कहाँ डायरेक्ट करता है, इसके बारे में देख लेते हैं। लास्ट टॉपिक है हम लोग के इस चैप्टर का। एक थोड़ा सा कार्सिनोजेनेशन है, तो खैर वो तो यूं ही है, तो वो तुम्हारा कैंसर के प्रोडक्शन के इंफेक्शन प्रोड्यूस करता है बेंजीन के बहुत से रिंग्स के कंपाउंड जुड़ने से। तो खैर हम लोग पहले देख रहे थे डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस कह सकते हैं, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो है तुमको कुछ ग्रुप्स, मतलब कि ये कुछ इसका मतलब कुछ समझ में नहीं आया होगा तो मैं इसे बताता हूँ क्या कहना चाह रहा है, ये टॉपिक क्या है। अगर बेंजीन में पहले से कोई ग्रुप मौजूद है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 ग्रुप आपको पहले से है, और अब आपको कहा गया फ्यूडलक्राफ्ट रिएक्शन ही कराने के लिए कहा गया, CL3Cl से कराए, यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 था। तो अभी तक जो हम लोग कहते थे कि इसको CH3 बेंजीन में जोड़ते थे कहीं पर, तो मेथिल बेंजीन उसका या टोलविन उसका नाम हो जाता है, इसका नाम टोलविन है, ध्यान रहे नाम भी इसका तुमको याद करना था, नाम ध्यान रखो। बेंजीन में तुमको CH3 रहेगा तो नोमेनक्लेचर में इसका देखोगे इसका नाम क्या है, ये टोलविन इज द IPS नेम, टोलविन इसका क्या नाम है, मेथिल बेंजीन कह सकते हैं आप कॉमन नेम में, लेकिन इसका टोलविन इसका क्या नाम है, इट इज IPS नेम, इसका IPS नेम में से टोलविन कहा जाता है। तो ये तुमको टोलविन होगा। अब यहां पर जो तुमको है, जो एक बात तो ये तय समझ में आ गया कि CH3 जुटना है इसमें, CH3 के जुटने के अगर मान लेते हैं CH3 यहां से जुटता है, ये पॉसिबिलिटी है कि CH3 यहां से जुट जाए, CH3 यहां है तो CH3 इस जगह से जुट जाए, तो ये पोजीशन दोनों क्या था 1-2 हो गया, जिसको ऑर्थो पोजीशन के नाम से हम लोग फेमस कहें, बगल मतलब कि जो बेंजीन के जो आइसोमर होते हैं तो ये ऑर्थो आइसोमर हो गए, और ये ऑर्थो जाइलिन के नाम से जाना जाता है, इसका नाम क्या हो गया, अगर ऐसा बनता है तो ये ऑर्थो जाइलिन हो जाएगा, ये ऐसा बनता है प्रोडक्ट। तो दूसरा प्रोडक्ट तुमको इसमें जो बनता है, मैं वही लिख रहा हूं क्योंकि गलत तो नहीं लिखा जा सकता, समझाते हैं इसको, ये तुमको पारा प्रोडक्ट बनेगा, ये तुमको 1-4 बन जाएगा यहां पर, इसको पारा भी कहते हैं, पारा जाइलिन भी कह सकते हैं इसको, ये भी बन जाएगा, लेकिन यहां पर 1-2 भी बन, 1-2 बन गया, 1-4 बना, ये 1-2 हो गया कि तुम्हारा 1-2 हो गया, ये है 1-4, ये पारा आइसोमर बना, तो ये तुमको मेटअप नहीं जाएगा। तो ऐसा कुछ कुछ ग्रुप है जो कि ऑर्थो पैराडाइटिंग ग्रुप होते हैं, तो इसका मतलब इस तरह, ये जो CH3 जो आया तुम्हारा, ये जो CH3 पहले से जुटा हुआ है, ये इसको डायरेक्ट करा के ऑर्थो और पारा से ही हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करने का ये कमांड दे रहा है एक टाइप से। दूसरे जो ग्रुप आने वाले हैं उसको ये इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये CH3 के पहले प्रेजेंस कारण, दूसरा जो भी इलेक्ट्रोफाइल हो वो CH3 इज नॉट नेसेसरी, यहां CL भी जुटता है, कुछ भी जुटता है इलेक्ट्रोफाइल, तो उसको ये डायरेक्शन दे रहा है कि तुम या तो ऑर्थो पे जाओ या कहां जाओ, पारा पे जाओ, मेटा पे जाने नहीं दे रहा। तो इस तरह के ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब बात रहा कि कौन इस ग्रुप में क्या विशेषता है CH3 की, ये ऑर्थो पारा डायरेक्ट करेगा, ऐसा क्यों डायरेक्शन दे रहा है किसी इलेक्ट्रोफाइल को कि तुमको कहां अटैक करना है, उसका देखो। तो इसके लिए तुमको है ये मेथिल ग्रुप का जो है, ये तुमको अगर हम लोग जो हाइपर कंजुशन स्ट्रक्चर पढ़े हैं तो उसमें आते हैं, उससे तुमको ये पता चलेगा कि ऐसा क्यों ये डायरेक्शन दे रहा है, इसको समझते हैं। देखिए ये अब ये तुमको ये तो पता चल गया कि ये ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसको मतलब इस तरह के ग्रुप को ये तुमको क्या कर रहा है, ऑर्थो पारा, ऑर्थो प्लस पारा आइसोमर बना, तो ये तुमको क्या हो गया, ये ऑर्थो बना पारा बना, तो ये कैसा ग्रुप हुआ, ये ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ये क्यों ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऐसा बात आया। तो देखिए और भी फिर इसमें बताएंगे किसमें होगा, जैसे कि यहां CH3 है, तो ये तुमको क्या करता है, ये एक हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनाता है, तो यहां डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, तो यहां पे माइनस चार्ज आ जाएगा। तो देखिए इसका अब यहां पर हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बना के देखिए, ये आपको बताएगा आंसर में कि ये क्यों हो रहा है, यहां CH है, यहां पर H है, यहां H+ बन गया, जो हाइपर कंजुगेशन ऐसा बनता है नो बॉन्डिंग स्ट्रक्चर, यहां पर माइनस चार्ज आपके आपका आ गया, यहां पर अभी आपका डबल बॉन्ड है और ये यहां पर डबल बॉन्ड है, ये माइनस चार्ज देखिए यहां जब जाएगा तो ये यहां आएगा नेक्स्ट स्ट्रक्चर में, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर H पे प्लस आ गया, तो यहाँ पर तुमको ये क्या हो गया, तुमको ये माइनस चार्ज था, अब देखो ये माइनस चार्ज कहाँ भेज दिए, ये यहाँ भेजे हैं, तो ये माइनस चार्ज यहाँ आ गया तुम्हारा और यहाँ आ गया,
अगला माइनस चार्ज में यहाँ चला जाएगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये तुम्हारा अगला जो स्ट्रक्चर बनना है वो उसको भी बना दे रहे हैं। तो ये तुमको क्या बन गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड सी एच टू रहा और इधर की तरफ एच प्लस है। तो चलिए, तो अब यहाँ पर देखिए तो ये तुम्हारा कहाँ चला गया, ये तुमको माइनस चार्ज यहाँ आ चुका है, माइनस चार्ज यहाँ आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पर सिंगल, यहाँ पर डबल। तो ये तुमको गौर करके देखो तो कहाँ कहाँ ये माइनस चार्ज गया। देखिए माइनस चार्ज गया ऑर्थो पे, पारा पे और ऑर्थो। तो इलेक्ट्रोफाइल जहां पे ई प्लस जो होगा, ई प्लस अटैक्स एट ऑर्थो एंड पारा पोजिशन, जो बगल वाला पारा पोजिशन पर ही अटैक करेगा, जहां पर निगेटिव चार्ज दिखेगा वहीं पॉजिटिव ई प्लस आएगा। तो इस तरह से ये इस स्ट्रक्चर से बता चलता है कि ऑर्थो पारा डायटिंग ग्रुप है। दूसरा, माइनस चार्ज ज्यादा इसके इन्फ्लुएंस से और ज्यादा बढ़ गया तो ये रिएक्शन के रेट को क्या किया होगा, ये बढ़ा दिया होगा। ये भी एक तर्क से बिल्कुल सही है कि CH3 के प्रेजेंस से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये रिएक्शन के रेट को भी क्या किया, इसने बढ़ाया और साथ साथ ही क्या किया, ऑर्थो पारा पे ये डायटिंग ग्रुप हुआ। मतलब कहते हैं तो इसका निष्कर्ष हुआ एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप का प्रेजेंस और भी ग्रुप आएगा इज इंक्रीज द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन। बेंजीन अगर इसका प्रेजेंस पहले से है कोई भी एल्किल ग्रुप का होगा तो हाइपर, ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। ड्यू टू किस कारण से, ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन कारण ये बढ़ा देता है। तो ये तुम्हारा हो गया कि ये एल्किल ग्रुप क्या करता है, इसको हाइपर कंजुगेशन कारण एल्किल क्या कर रहा है, उसका बढ़ा रहा है। तो चलिए और ग्रुप का क्या एक्टिविटी होगा, ये तो ऑर्थो पारा डायटिंग ग्रुप में एक ग्रुप हुआ, तो पहले से अगर बेंजीन में कोई दूसरा ग्रुप और रहता जैसे ये एल्किल ग्रुप का होगा, इसी टाइप का तुमको हाइपर कंजुगेशन बन जाएगा। एल्किल का मतलब सी टू एच फाइव भी डालिए तो वो भी इसी ढंग से एक्टिवेट करेगा। तो ये सारे ग्रुप चूंकि उसमें भी एच प्लस बन सकते हैं और जिसके पास भी रहेंगे तो ये तुमको इस तरह का बनाएगा। अगला, जैसे कुछ और भी ऑर्थोपाराडाइटिंग ग्रुप हैं जो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस हम लोग देख रहे हैं ऑर्थोपाराडाइटिंग ग्रुप में, तो ऑर्थोपाराडाइटिंग ग्रुप कौन कौन होते हैं, जैसे देखो उसमें एक ग्रुप होता है जिसके पास कि लोन एक तो हाइड्रोजन एटम है वो एक्टिवेटिंग होगा, एक जिसके पास तो उसका भी पहले बना ही लेते हैं उसके बाद उसमें सब समरी कर देंगे। तुम्हारा जैसे बेंजीन है यहाँ पर कोई भी ओ एच ग्रुप है, जैसे यहाँ पर चलिए यहाँ पर देखिए जैसे फिनॉल जिसको कहते हैं हम लोग, तो ये जो तुम्हारा है ये क्या करेगा, ये लोन पेयर यहाँ देता होगा जो कि प्लस एम इफेक्ट में बताएंगे प्लस आर इफेक्ट, यहाँ माइनस चार्ज आएगा सिर्फ यहीं पर। तो ये भी क्या होगा तुम्हारा, जिसके कारण जहाँ पर लोन पेयर कारण जिसके अब क्या आएगा ऑर्थोपाराडाइटिंग ग्रुप हो जाएगा। त्रिजोनी स्ट्रक्चर बनाए भी होंगे जैसे, या तुम अपना जो है इस पर प्लस एम इफेक्ट का लेक्चर जो है राइटल ऐप प्ले स्टोर डाउनलोड करके वहाँ भी देख सकते हो। तो ये तुमको अब इसको स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बना दें, चलो बना ही देते हैं। चलिए तो ये तुमको क्या हो गया, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, ओ पे क्या आ गया प्लस, यहाँ पर क्या आ गया माइनस चार्ज आ गया, देखो यहाँ आया। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा तुमको, ये डबल बॉन्ड है यहाँ पर है तो ये यहाँ आ जाएगा और ये तुमको यहाँ पर ही बनेगा। तो क्या आ गया तुम्हारा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ पे प्लस एच और यहाँ पर क्या आ गया तुम्हारा, ये यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया और इस जगह पे क्या बन गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो अगला स्ट्रक्चर जब यहाँ आएगा तो ये तुमको माइनस चार्ज यहाँ चला जाएगा। तो इस तरह से तुम्हारा क्या हो गया, माइनस चार्ज कहाँ कहाँ जा रहा है, देखिए यहाँ आ गया ओ पे प्लस और एच, यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो देखिए ऑर्थो या पारा पे जा रहा है, तो ये तुमको जो जिसके पास भी लोन पेयर होगा सारे ग्रुप ऐसा करेंगे, जिसके पास भी लोन पेयर होगा वो ऑर्थो पाराडाइटिंग ग्रुप होगा। तो ये लोन पेयर के कारण ऑर्थो पाराडाइटिंग ग्रुप है, एक तो एल्किल ग्रुप था ऑर्थो पाराडाइटिंग ग्रुप और जैसे देखो लोन पेयर, ये ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप का नाम लिख देते हैं। पारा डायरेक्टिंग ग्रुप में कौन कौन आएगा, जैसे दो तरह का बताया, जैसे अभी ओ एच देखा तुमको इसमें लोन पेयर था, जैसे एन एच टू है तुमको एमीन ग्रुप, जिसको बेंजीन में एन एच टू जुटा होता है एनिलीन कहते हैं, सोफो ऐसे एन एच टू एन के पास लोन पेयर है, एन के साथ कुछ भी एन एच आर भी है लोन पेयर होना चाहिए उसको, तो एन आर टू भी हो गया, तो कोई भी लोन पेयर है तो होगा। जैसे बेंजीन ओ है तुम्हारा, ओ के पास ओ से एच को हटा के आर को एल्किल ग्रुप भी जुड़ता है, ओ का लोन पेयर तो अभी भी एक है, जब तक लोन पेयर तब तक ये क्या रहेगा ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग ग्रुप रहेगा जिसके पास भी है। दूसरा जैसे कि एल्किल ग्रुप था तुम्हारा, जैसे कि आर जो हाइपर कंजुगेशन कारण ये था तुमको हाइपर कंजुगेशन कारण। तीसरा ये जो हेलोजन एटम है इसके पास भी लोन एयर होता है लोन पेयर होता है हेलोजन के कारण। हेलोजन में क्या होता है, हेलोजन भी तुमको ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग ग्रुप है इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, लेकिन
ये सब तुमको क्या किया, यहां पर भी एक बात तो तय है कि ये सब क्या करते हैं, ये तुमको एक्टिवेट भी करते हैं, ये सारे ग्रुप जो ऑर्थो पैराडाइटिंग ग्रुप, ये तुमको क्या कर रहे हैं, यहां तक ये जो ग्रुप है तुमको, ये तुमको एक्टिवेट करता है बेंजीन रिंग को, किसके, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। लेकिन ये जो तुम्हारा कहते हैं ये ऑर्थो पैराडाइटिंग ग्रुप हैलोजन जरूर है, लेकिन ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, डीएक्टिवेट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, द रिएक्शन का रेट कोई थोड़ा घटा देता है। अब कहो कि क्या है घटाता है, अभी इसमें नेगेटिव चार्ज ये भी दे रहा है, ये सब एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये सारा क्या रहता है एक्टिवेट, मतलब रेट रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये सारा ग्रुप। बाकी हेलोजन के बारे में थोड़ा ऑर्थो पड़ा है बट डीएक्टिवेटिंग है। इसका कारण होता है हेलोजन में एक और चीज उसमें जो जुड़ा, जो जिसके बारे में आपको ध्यान देना होगा कि हेलोजन जो होता है तुमको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसका ज्यादा होता है तो उसके कारण ये कुछ इलेक्ट्रॉन को इंडक्टिव कारण तुमको खींचता है, इसलिए थोड़ा डीएक्टिवेट करता है। बट ये लोन पे कारण ऑर्थोपैराडाइटिंग ग्रुप ही होता है, ऑर्थोपैराडाइटिंग ग्रुप होता है अक्सर, जब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप अक्सर तुमको जो मेटाडाइटिंग ग्रुप होता है, लेकिन हेलोजन उसके विपरीत में आता है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग कुछ मेटाडाइटिंग ग्रुप का नाम लेते हैं। एम नाइट्रो जैसे मेटा मेटा डाइटिंग ग्रुप में जैसे आते हैं हम लोग, तो 1-3 को मेटा मेटा पोजीशन कहते हैं, ऑर्थो हो गया 1-2 लगातार वाला हो गया, और 1-4 हो गया जो अपोजिट है दैट इज पारा, और एक आइसोमर और होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं 1-3 दैट इज मेटा। अब हम लोग मेटा डाइटिंग ग्रुप देखते हैं, तो मेटा डाइटिंग ग्रुप में क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डाइटिंग ग्रुप में क्या विशेषता होता है, जो बेंजीन से जो जुड़ा हुआ एटम होता है, जैसे एक बना के ही दिखा लेते हैं पहले उसके बाद उसका नाम लिख देंगे। बेंजीन से जो जुड़ा हुआ एटम होगा जैसे कि कोई भी कार्बन हो नाइट्रोजन व्हाट एवर, ये मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ेगा, ये डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, मतलब कि इस एटम जो एटम बेंजीन से जुड़ा वह किससे जुड़ जाएगा, उस किसी दूसरे एटम के साथ अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ जाए तो वो तुमको जो है मेटा डाइटिंग ग्रुप हो जाएगा। और ये क्यों होगा ये भी देखिए दिखाते हैं, इसका रिजोनेंस देखिए कैसे करेगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा और ये तुमको ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इसका, तो देखिए इसका रिजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बन रहा है आपका, उससे आपको पता चल जाएगा ये क्यों मेटा पर जाएगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, ये यहाँ पर ये सी, यहाँ पे ओ पे माइनस आ गया, यहाँ एच ऐसा बताया, यहाँ पे ये क्या आ गया तुम्हारा, ये प्लस चार्ज आ गया क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ जा चुका है, ऊपर जा चुका है, देखिए रिंग का इस देखिए यहाँ स्थिति है, यहाँ इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ डबल बॉन्ड बना, लेकिन यहाँ पे क्या उल्टा, देखो एरो का डायरेक्शन उलट गया, आपकी पहले एरो दे रहे थे इधर से इधर की ओर जा रहा था, अब की बार किधर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, और आपका यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो चलिए एक और स्ट्रक्चर बना लीजिए, ये क्या हो गया तुम्हारा, ये तुमको यहाँ पर डबल बॉन्ड है सी, यहाँ पर ओ पे माइनस है और यहाँ पर एच है, और यहाँ पर ये जो प्लस था तो यहाँ पर अब क्या आ गया तुमको ये रिंग में, ये तुमको यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा इस साइड से, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया, तो यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये जो कार्बन यहाँ जो प्लस चार्ज का जो स्कार्सिटी था वो समाप्त हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का फायदा हो जाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा, यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, तो ये प्लस चार्ज कहाँ आने वाला है, ये यहाँ आ गया, और यहाँ पर क्या बन जाएगा तुमको, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया तो ये प्लस चार्ज खत्म हो गया, यहाँ आ गया तुम्हारा ये। अब अगला में देखिए, ये तुमको यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन इसको ले सकता है, तो ये प्लस चार्ज कहाँ कहाँ बना है, ये यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे ओ पे माइनस, यहाँ एच, यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया, यहाँ पर तुम्हें क्या आ गया होगा, ये डबल बॉन्ड, यहाँ फिर सिंगल, यहाँ पर डबल, तो सॉन्ट ये तुमको देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब की बार जो प्लस चार्ज है वो कहाँ कहाँ रोटेट कर रहा है, देखिए ऑर्थो और पारा पे जा रहा फिर, तो अब की बार किसी को इलेक्ट्रोफाइल ई प्लस को अटैक करना है, तो ऑर्थो पे जब प्लस चार्ज जाएगा तो उसको यहाँ क्यों अटैक करेगा, जहां पर पॉजिटिव चार्ज है वहां पर इलेक्ट्रोफाइल तो अटैक नहीं कर सकता, ऑर्थो पे पारा पे और ऑर्थो पे, ये तीनों जगह पे कौन दिख रहा है हमको प्लस चार्ज, तो जाहिर है कि मजबूरी में उसको कहां पर अटैक करना पड़ेगा, मेटा पर अटैक करना पड़ेगा, और इसलिए यह क्या होगा, इस तरह का ग्रुप जो कि मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा, और एक बात इतना तय है ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के रेट को क्या किया, डिक्रीज ही किया, क्योंकि यहां प्लस चार्ज घुमा के इलेक्ट्रोफिलिक जो रिएजेंट था उसको प्लस चार्ज का रिपल्सन भी होगा,
और प्लस चार्ज जब रिपल्सन होगा तो उसका रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, डाउन भी हो जाएगा। और मजबूरी में वो करना ही है तो कहां से करेगा, वो मेटा से करेगा, लेकिन वह करने में भी उसको क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। मतलब रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और ये कैसा ग्रुप होगा, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या करता है, डीएक्टिवेट मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, ये समझ में आ गया होगा। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप रेट डिक्रीज द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये घटाता है। जैसे कि अब कौन कौन होंगे, जैसे डबल बॉन्ड्स जुड़े हुए हैं, जैसे NO2 है तुम्हारा, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप का नाम अब लिख देता हूं मैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। जैसे NO2 है तो N में डबल बॉन्ड O जुड़ता है, ध्यान रहे, तो डबल बॉन्ड N के साथ डबल बॉन्ड जुटा तो ऐसा होगा। CHO जैसे भी लिखे थे, जिसमें डबल बॉन्ड O होता है, कीटोन है तुम्हारा, CO है, तो C डबल बॉन्ड O है, तो डबल बॉन्ड O, ये भी तुमको COR कुछ भी जुटा हुआ है, ये तुमको मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप COOH है, इसमें भी डबल बॉन्ड है, तो ये भी तुमको मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। सी ट्रिपल बॉन्ड एन होता है, कसाइनाइड, ये भी क्या है, मेटा, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड बन गया। तो ये सारे ग्रुप जिसमें कि मल्टीपल बॉन्ड्स जुड़ेंगे ईटीसी, ये क्या होगा तुम्हारा, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप आएंगे। तो नाम याद भी आपको नहीं करना पड़ेगा, आप बिल्कुल समझ सकते हैं स्ट्रक्चर से, मैंने बता दिया वो नाम क्या हो गया आपको, मतलब समझ में आ गया होगा तुम्हें। तो ये नाम भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ी कौन मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। तो इन सबों के आधार पर तुमको ये तुमको डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस था। जैसे देखो कुछ कन्वर्सन से कहते हैं हम लोग, कन्वर्सन के क्या नाम होता है, जैसे कि एक कन्वर्सन बताए थे उधर की तरफ की कन्वर्ट करके, जो कि मतलब कि था तुमको एलिफेटिक का था, जो जिसमें कि हम लोग बना रहे थे सोडियम इथेनोइक एसिड से हम लोग बनाए थे बेंजीन बनाए थे, काफी रिएक्शन था। अब जैसे तुमको बनाना है एम नाइट्रोब्रोमो बेंजीन, बेंजीन से कोई तुमको काम दिया कन्वर्सन, जैसे एक क्वेश्चन में तुमको देता हूँ, बाकी तुम क्वेश्चन से एक बुक से बनाओगे, जहाँ भी तुम्हें समस्या होगी राइटल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हो, कोई भी स्टूडेंट उसमें मदद लेना हो कभी भी हमसे पर्सनल कॉल करो मेरे नंबर पर, जो भी टाइम चाहिए तुम्हें उसके लिए मिलेगा। तो जैसे कि एक कन्वर्सन है तुम्हारा जो कि रिएक्शन का, बेंजीन टू बनाना चाहता है कोई, बेंजीन से आपको बनाना है एम नाइट्रोब्रोमो बेंजीन, मेटा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन, यहां पे नाइट्रो ग्रुप दे दीजिए और मेटा पर ब्रोमीन दे दीजिए, ये बनाना चाहता है एम नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन बनाना चाहता है मेटा नाइट्रो, ये कैसे करेगा। देखो नाइट्रो ग्रुप लाने के लिए HNO3 से रिएक्शन करता है, ब्रोमीन लाने के लिए Br2Fe के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं ब्रोमिनेशन। तो जाहिर है कि हम लोग क्या करेंगे, पहले एक बार तो हमको Br2Fe के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो Br आ जाएगा, NO2 के प्रेजेंस में अगर HNO3 H2SO4 के प्रेजेंस में NO2 आएगा। अब अगर इसमें क्या है सीक्वेंस क्या रखे, जैसे बेंजीन के कन्वर्सन में बेंजीन में देखिए, जैसे कि अगर बेंजीन में पहले से हम रिएक्शन करा दें, अगर पहले Br को ले आए सपोज दैट यहां पर, तो Br कैसा ग्रुप है, ये तुमको Br जो है ऑर्थो पैराडाइटिक ग्रुप होता है, हेलोजन के बारे में बताए थे ये तुमको क्या होता है ऑर्थोपायरेट। तो अगला बार जब कि हमको HNO3 डालेंगे ना, तो NO2 ग्रुप कहां पे आने वाला है, तब ऑर्थो या पारा से जोड़ देगा। लेकिन NO2 ग्रुप कैसा होता है, NO2 ग्रुप तुमको मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो अगर हम मेटा बनाना चाहते हैं तो पहले हमको NO2 को ऐड करना चाहिए, तो वो डायरेक्ट कर देगा Br को कहां जाने के लिए, मेटा जाने के लिए। लेकिन अगर हम Br ऐड कर देते हैं तब वो किधर डायरेक्ट कर देगा जाने के लिए, ऑर्थोपारा। तो इसका मतलब है कि हमको मेरा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट कैसे बनेगा, जब हम पहले क्या जोड़ने, पहले HNO3 पहले नाइट्रो ले आइए आप, तो वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बनेगा और उसके प्रेजेंस में H2SO4 ये याद होगा रिएक्शन अभी बताए थे, ये क्या होगा तुम्हारा NO2 ऐड हो गया, ये NO2 आ गया। तो अब ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो अब अगर हम Br2 डालते हैं प्लस Br2 डालेंगे Fe के प्रेजेंस में, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, अब ये तुमको अब ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तुमको, तो ये मेटा पर डायरेक्ट कर देगा किसको जाने के लिए, Br को कहां भेज देगा, ये मेटा डायर पर भेज देगा ये। तो ये हमारा कन्वर्सन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए ये डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस के प्रभाव से ही हम ये कर पाए। तो इस बात को ध्यान देना होता है किस ढंग से बनाएंगे, तो ये भी जानना होगा। प्लस रिएक्शन या प्रोडक्ट ही पूछता है तो आप ऑर्थो और पैराबायसोमर बनेगा या मेटा बनेगा, इसको हम लोग क्लियर कर सकते हैं। तो हाइड्रोकार्बन के जितने लेक्चर से तुम्हारा जो एनसीईआरटी बुक का जितना था उसके रिलेटेड लेक्चर्स तो समाप्त हो गए, और भी तुमको कोई भी जो समस्या हो, कोई भी अगर मैकेनिज्म समझने में या तुमको कोई भी क्वेश्चन बनाने में समस्या हो रहा हो एनसीईआरटी बुक का हो, या तुमको एग्जाम्पल प्रॉब्लम से बना रहे हो या किसी और भी बुक से बनाते हो, जिसके जितने भी क्वेश्चन बना रहे हो, तो उसके राइटल ऐप को डाउनलोड करके प्ले स्टोर से हमारा मिल जाएगा ऐप, और वहाँ से तुम हमसे संपर्क कर सकते हो, हमारा नंबर मिल जाएगा जिस पर कॉल करके टाइम ले सकते हो। और इसी के साथ लेक्चर को समाप्त कर रहा है।